नमस्कार फ्रेंड्स, बरेवाल रश्मि और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको दीपावली की खूब सारी बधाइयाँ। तो दीपावली को खूब एंजॉय कीजिए, खूब सावधानी के साथ पटाखे छोड़िए और बहुत ही केयरफुल। दीपावली जितना खुशियों का त्यौहार है तो वो पटाखों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो बी केयरफुल। और जब आप पटाखे छोड़े तो अपने कपड़ों को, मतलब कॉटन के कपड़ों को पहनिए, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। तो मैंने बस एक ही आपको वीडियो में दिखाया था कि आप अगर साड़ी पहनते हैं तो अपने कपड़ों को बहुत संभाल के पटाखों को छोड़िए और खूब एंजॉय कीजिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो दीपावली जो त्यौहार जो होता है वो सबसे जो फेमस होता है वो डेकोरेशन की वजह से होता है। दीपावली पे इतनी सुंदर लाइटिंग होती है, डेकोरेशन होती है, पूजा पाठ होती है। पूरे 2 दिनों का ही नहीं, आपके 5 दिन का ये त्यौहार होता है। भाई छोटी दीपावली आ गई, धनतेरस है, बड़ी दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन, इन 5 दिनों का आपको ये नहीं पता चलता है कि कब सूरज निकल रहा है और कब सूरज जा रहा है। इतनी जल्दी जैसे पंख लग जाते हैं ना किसी समय को, वो वाला टाइम होता है ये। हमारे घर में इतने सारे गेस्ट आते हैं, हम उनके साथ बातें करते हैं। लाइफ में, इतनी बिजी लाइफ में हम 5 दिनों के लिए इतना टाइम निकालते हैं, तो ये सब भी मुमकिन सिर्फ इंडिया में ही है। हम भारत में रहते हैं और भारत में इतने सारे त्यौहार होते हैं, और सबसे अच्छी बात है हम उनको सेलिब्रेट भी करते हैं। ये नहीं है कि बस बैठ गए रूम में, आज छुट्टी है, नहीं, हम उसका पूरा एंजॉय करते हैं त्यौहार का। और सबसे अच्छी बात है कि घर में इतनी सारी मिठाइयाँ होती हैं, खूब दिल लगता है। घर में गेस्ट आते हैं जिनसे हम बहुत दिन बाद मिल रहे होते हैं, अगर कोई गिला शिकवा भी होता है तो वो गिले शिकवे भी ख़त्म हो जाते हैं। इस दीपावली के त्यौहार की यही खास बात है कि अगर मन में छोटी सी रूठा मनाई भी है तो वो भी गले लगकर थोड़ी सी मिठाई खिला दीजिए, आपके रिश्तों में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत हो जाएगी, आप दिल से खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई दीपावली ऐसी दीपावली हर बार आए। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरीके की डेकोरेशन तो आज तक शायद आपने मेरे घर में पहली बार कभी नहीं देखी है, क्योंकि ये वीडियो ही इस बार यूट्यूब पे पहली बार मैंने डाली है। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने ये सारी चीज़ें यूट्यूब से ही सीखी हैं कि घर के मंदिर को कैसे सजाया जाता है या घर के ड्राइंग रूम को कैसे सजाया जाता है। नॉर्मली मैं पहले सिर्फ साफ सफाई करती थी या दिवाली पे अपने ऐसे त्यौहार वाले दिन अपने घर को सजाती थी, कोई ओकेशन होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे यूट्यूब से। और सबसे अच्छी बात है कि दीपावली के इस त्यौहार का मैंने और मेरे बच्चों ने, परिवार ने खूब एंजॉय से ये त्यौहार मनाया है। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले तो आज दीपावली है भाई, सबसे पहले मैं जल्दी उठ के आज घर के काम करूँगी और किचन को बहुत जल्दी से साफ सफाई करके, आज इतने सारे काम हैं कि हस्बैंड गांव में जाते हैं, गांव में मतलब हमारे जो देवता होते हैं वहाँ पे दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है, और मैंने देख लिया है आज यहाँ पर घर का काम। और हस्बैंड से कह दिया था कि मिठाई भी लेते आना, क्योंकि जितने भी हमारे गेस्ट हैं सबके यहाँ पे मैं मिठाई के डिब्बे बांटा करती हूँ। तो ये एक फेमस शॉप है, यहाँ पे आप आंख बंद करके, आप विश्वास करके मिठाई ले सकते हो। हाँ थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, पर मिलावट नाम की चीज़ नहीं है। इसी बात के लिए यहाँ पे भीड़ लगती है। वो एक बात आपने सुनी होगी कि ऊंची दुकान फीके पकवान, यहाँ पर वो बात नहीं है। बहुत छोटी सी मामूली सी दुकान है, लेकिन आपको प्योर टी,
इस हिसाब से मिलेगी कि आप आंख बंद करके यहाँ से सामान ले सकते हैं। और जब आप खाना मतलब मिठाई को थोड़ी सी खा के चेक भी करते हैं या किसी और को देते हैं, तो वो सामने वाला बंदा भी हाँ कहता है कि हाँ भाई प्योरिटी नाम की यहाँ पर चीज है। तो मैंने मंगवाए हैं ऑलमोस्ट 25 डिब्बे मैंने मंगवाए थे, क्योंकि मेरे सारे गेस्ट हैं और मैं सभी गेस्ट को मिठाई का डिब्बा देती हूँ। तो मैंने प्योर मावे की मिठाई के ऑर्डर दिए थे, और ये ऑर्डर हमने एडवांस में देना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड एक दिन पहले ही जाके मिठाई का ऑर्डर दे के आए थे, और आज गए हैं मिठाई के डिब्बे उठा के लाए हैं, और वे गांव से भी आ चुके हैं। गांव में दीपक भी जला दिया था, क्योंकि मेरा गांव जहाँ पे हम रहते हैं उसके पास ही है। 1 घंटा भी ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, आधे घंटे का ही रास्ता है। तो सबसे अच्छी बात है कि हस्बैंड ने गांव में जाके दीपक भी जला दिया और मैंने यहाँ के काम देख लिए। और मुझे यहाँ पे रहना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोई ना कोई सुबह से आ ही रहा था। आस्था भी अपने पापा के साथ चली गई थी, तो मेरा बहुत सारा काम हल्का हो गया था। भाई पापा बेटी ने मिलके मिठाई का भी काम निपटा दिया, गांव में जाने का काम जो होता है मेरा और मेरे हस्बैंड का, वो काम आज बच्चों ने मेरे हस्बैंड ने निपटा दिया है। और मैंने करी है डेकोरेशन की तैयारी इतनी देर में, पूरे घर का नॉर्मली झाड़ू पोछा जो होता है या किचन के काम होते हैं ये सब निपटाने के बाद, दीपक भी मैंने एक दिन पहले ही ले लिए थे। और घर में जो तैयारी होती है जैसे खील पतासे घोड़े हाथी ये सब आते हैं, तो इन सब चीज़ों को मैं लेके आई हूँ। और घर की जो मेन सजावट थी उसको करने के लिए मैंने नेचुरल फूलों को खरीदा था इस बार। और फ्रेंड्स ये पहली बार मैं कर रही थी इस तरीके से, मैं हमेशा ऐसे ही नॉर्मल सजावट किया करती थी, कुछ डेकोरेशन मेरे पास रखी रहती थी या गुलाब के फूलों को खरीद लिया करती थी। इस बार मैंने काफ़ी अच्छे फूल खरीदे हैं, बहुत सारी मात्रा में खरीदे थे। और कार्तिक के मनपसंद पटाखे, उसके मनपसंद पटाखे आ चुके हैं, वो बहुत खुश है, तो उसकी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। हस्बैंड ने कहा ही नहीं, बच्चों का त्यौहार है, साल भर में एक बार आता है तो उसको मनाने दे, कोई बात नहीं, पोल्यूशन होता है, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही है कि बारिश हो चुकी थी और सारा पोल्यूशन निकल चुका था। और ये तो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ कि जिस दिन त्यौहार होता है, कोई भी त्यौहार हो, तो उस दिन मैं अपने किचन का बहुत जल्दी काम निपटा लेती हूँ। जल्दी उठ के ऑलमोस्ट मैं सुबह 4, 4:30, 5 बजे जरूर उठती हूँ, लेकिन इस समय दीपावली का टाइम चल रहा है तो घर में डेकोरेशन का काम थोड़ा बढ़ गया है। गेस्ट आते हैं तो जो ड्राई नमकीन होती है वो मैंने 2-4 दिन पहले ही बना के रख ली थी। उसकी वीडियो तो खैर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि जब ये नमकीन बना रही थी बच्चों के स्कूल थे और मैं अकेली घर पे मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फ़ोन को गिरने से भी बचाना होता था। और आज है दीपावली, तो फ्रेंड्स घर पे कोई ना कोई आ ही रहा है, और मीठा खा खा के सबका मन भी भर गया। तो अगर मैं मीठा देती हूँ किसी को तो सब कहते हैं नमकीन हो तो नमकीन दे दीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। भाई कोई मांग के अगर ये बात कहता है कि भाई मीठे से मन भर गया है तो कुछ चटपटा सा बना देती हूँ। तो मैंने बनाए हैं मिर्ची के पकौड़े, और ये बड़े वाली मिर्ची आप सब जानते हैं कि इसकी जो भरने वाली प्रोसीजर होता है वो आलू की जो फिलिंग होती है उसमें थोड़ा सा खटाई पाउडर डाला जाता है। तो मैंने आलू को मैश करके उसमें थोड़ा खटाई पाउडर नमक मिर्च डाला है, और ऐसे ही मैं बेसन कोआ पेस्ट बना रही हूँ, इसमें भी थोड़ा सा खटाई पाउडर डालूंगी साथ में नमक मिर्च, और इसको आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। और जब ये पेस्ट हमारा आधे घंटे बाद तैयार हो जाएगा तब मैं इसके पकोड़े बनाऊंगी। तो आधे घंटे के लिए ये जो हमारा पेस्ट है इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ, और करती हूँ फिर और कोई तैयारी। तो अभी जो सेंटर टेबल है मैं इसको डेकोरेट कर देती हूँ, घर में इतने सारे नेचुरल फूल आए हैं तो उनको यूज़ भी तो करना है, और दिवाली पर नेचुरल फूलों से जब घर सजा हुआ दिखाई देता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन इतना खुश हो जाता है कि ये त्यौहार रोज रोज क्यों नहीं आता। पर वो हकीकत वाली बात है कि त्योहार भी टाइम के अनुसार ही अच्छे लगते हैं। यदि रोज रोज त्योहार आएंगे तो आदमी इन त्योहारों को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगा, ये एक रियलिटी है। तो कहने वाली बातें अलग होती हैं और सच्चाई वाली बातें अलग होती हैं, त्योहार भी साल में समय पर ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स 5-10 मिनट हो गई हैं, मैं जो पेस्ट मैंने बनाया था वो अच्छे तरीके से
बन गया है, मतलब फूल गया है, जो उसमें प्रक्रिया होनी थी वो सही हो चुकी है। तो मैं बना रही हूँ मिर्ची के पकोड़े, और नीचे कोई गेस्ट आए हैं तो मैंने फटाफट से चाय भी बना दी है, साथ में मैं दूंगी मिर्ची के पकोड़े। और हस्बैंड भी आ चुके हैं गांव से, तो किचन का काम भी चल रहा है, डेकोरेशन का काम भी चल रहा है, साथ में शाम की तैयारी की भी, मतलब शाम को जब पूजा पाठ होएगी तो उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए मिर्ची के पकोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं आज कोशिश करूंगी किचन का काम थोड़ा सा हल्का ही रहे, लेकिन फिर भी किचन का काम नहीं रुकता। और मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे यहाँ पे कोई गेस्ट आ रहा है, वो कुछ खा के ही जा रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। आपके घर पे कोई आए और वो बिना खाए जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो चलो किचन का काम तो मैंने निपटा दिया है। कार्तिक आ गया अपने सारे पटाखों को धूप दिखाने के लिए। कार्तिक को बहुत ज़्यादा हड़कल हड़कल, मतलब मन के अंदर इतनी सारी खुशी है उसके मन में कि मम्मी कब रात होगी, कब मैं पटाखे छोड़ूंगा। पर मैंने उसको अभी समझा रखा है कि बेटे पहले पटाखों की पूजा होगी, घर में दीपावली पर जो भी नया नया सामान आता है उसकी पूजा होती है। जैसे हम धनतेरस पे बर्तन खरीदते हैं, ऐसे ही दिवाली वाले दिन यदि हमने ये पटाखे खरीदे हैं तो इनकी भी पूजा होती है। तो कार्तिक को लग रहा है कि मम्मी ने शायद झूठ बोला है, पर बच्चों को कौन समझाए। तो कार्तिक अभी ऊपर पटाखों को धूप दिखाने के लिए आ चुका है, और मैंने भी उसको थोड़ी सी परमिशन दी है, मैंने कि चलो छोड़ लेना, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। एक और बात मैं आपको इस समय कहना चाहती हूँ, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रही हूँ, सिर्फ एक बात बता रही हूँ। यदि आपके घर में मेरी बच्चे की उम्र के बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको ये बात समझाइए, यदि कोई पटाखा नहीं जल रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। पर बच्चों के दिमाग में खुरापात चलती ही रहती है, शरारतें चलती ही रहती हैं, तो बच्चे क्या काम करते हैं कि पटाखे के अंदर का मसाला जो होता है उसको निकाल कर जलाने की कोशिश करते हैं। ये गलती कभी मत करने दीजिए बच्चों को, क्योंकि वो पटाखे का मसाला कितनी मात्रा में हमें कुछ भी नहीं पता होता, और वो हमें इतना नुकसान कर जाता है कि बच्चों के हाथ पैर जल जाते हैं। तो मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि नुकसान हो रहा है, पटाखे नहीं जल रहे हैं तो छोड़ दीजिए उनको, फेंक दीजिए, पर अपने बच्चों को उन पटाखों के साथ दोबारे से उन्हें जलाने की परमिशन मत दीजिए। और हो सके तो जब बच्चे पटाखे छोड़े तो उनके साथ जरूर रहिए। भाई सावधानी थोड़ी सी हटती है और बहुत मुश्किल हो जाती है, तो ये छोटे छोटे बच्चे जब ही सीखेंगे जब हम इन्हें बताएंगे। तो कार्तिक तो वैसे भी शरारती है, तो मैंने आस्था को समझा दिया है, मैंने कि बेटे जब तक ये कार्तिक पटाखे छोड़ेगा तुम्हें उसके साथ ही रहना है। कार्तिक को शायद मेरी बात समझ में आ भी गई है, वो खुश है कि चलो मम्मी ने परमिशन तो दे दी है। कार्तिक को छोड़ के मैं ऊपर से नीचे आई हूँ और थोड़ी सी डेकोरेशन कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तक जो मेन गेट होता है उसको मैं नहीं सजा पाई हूँ, इतनी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। कभी कोई आ रहा था, कभी घर के कुछ काम निपटा रही थी। तो ये मोतियों की झालर है मेरे पास, गेट को सजाने के लिए मैंने इस तरीके से ये परमानेंट ले रखी है। कभी कभी मैं नेचुरल फूलों से भी सजा लेती हूँ, तो अंदर लगा रही हूँ मैं नेचुरल फूल और बाहर मेन गेट पे लगा रही हूँ मैं इस तरीके से मोतियों की ये झालर आती है। तो ये डेकोरेशन आपको बताऊं तो ये कभी मैंने अपने ड्राइंग रूम को सजाने के लिए ले रखी थी, और ये जो फूल आप देख रहे हैं ये मेरे घर के कर्टेन्स को बांधने के लिए, जो कर्टेन होल्डर होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे मैंने ले रखे हैं। तो आज ये कर्टेन होल्डर मेरे मुझे गेट को सजाने के काम आ गए। डेकोरेशन हमेशा आप वही चीज़ लीजिए जो अच्छी लगे,
यूज़ पे यूज़ आती रहे। ये नहीं है कि एक बार डेकोरेशन रखी गई, खरीद ली हमने और वो फोल्ड होके रखी गई हमारे बेड में या कहीं पर भी। तो दिवाली ये कहती है कि इतना कॉस्टली सामान मत खरीदिए, अपनी ज़रूरतों के अनुसार सामान को खरीदिए। और अभी जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं, ये मेरे घर का स्टेयर वाली जगह है। यहाँ पर हमेशा मैं बच्चों के ऐसी कोई भी सामान खड़ा कर देती थी। यहाँ की डेकोरेशन मैंने खुद करी है, कुछ भी नहीं है, सारा वेस्ट मटेरियल की डेकोरेशन है ये। और दिवाली वाले दिन स्टेयर के नीचे इस तरीके से, ये बहुत ही मतलब गंदा सा एरिया रहता था, ज़्यादातर यहाँ पे बच्चों की साइकिल खड़ी रहती थी। तो मैंने दिवाली पर इस साइकिल, यहाँ से साइकिल हटा के एक सुंदर सा डेकोरेटिव कुछ आइटम रखे, और ये जगह आप देखें कितनी सुंदर हो गई है। आप कोई भी ट्रेडिशनल कपड़ा बिछाइए, जिसको आप अपना रनर भी बोल सकते हैं, या कोई पूजा का कपड़ा हो, कोई भी ट्रेडिशनल कपड़ा बिछाइए और अपनी सेंटर टेबल को बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दिवाली वाले दिन मैंने इनको फ्रेग्रेंस फ्लावर आते हैं मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल। चीज़ों को सजाना हमारे ही हाथ में होता है, आप चाहे कैसे भी सजाएं, ये एक हाउसवाइफ के हाथ में होता है वो कितना महंगा सामान ला रही है, या अपने घर के वेस्ट मटेरियल से अपने घर को सजा रही है, या रखे हुए सामान को यूज़ करके। तो मैंने इस बार इस दिवाली पे घर में जितने भी कांच के बर्तन हैं, जैसे कांच बाउल, ग्लास बाउल होता है, कांच का ग्लास होता है, बाउल्स होती हैं, कटोरियां होती हैं, इस तरीके से अपने घर की डेकोरेशन कंप्लीट करी है। और ये जो बेड है ये बहुत ज़्यादा बार बार गंदा हो जाता है भाई, घर में जब बच्चे रहते हैं छुट्टियों के त्यौहार में तो बेड तो गंदा हो ही जाता है। तो दिवाली वाले दिन सबसे पहले मैंने अभी बेड को दोबारा से अरेंज किया है और मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए। भाई दीपावली का टाइम भाग रहा है, शाम की पूजा का समय आ गया है, तो जल्दी से पूजा पाठ करने के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। पूरे मंदिर की तैयारी कर ली है, जो कल मैं धनतेरस पे झाड़ू लेके आई थी इनको साइड में रख दूंगी। पूरा मंदिर साफ हो गया है, पूजा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये दीपक मेरा सुबह की ज्योत का जल रहा था, मतलब कोशिश करती हूँ कि मंदिर के पास दीपक हमेशा जलता रहे, पर त्योहारों का टाइम है, ऐसे में ध्यान से भी उतर जाता है, पर भगवान की कृपा है मुझ पे। तो हस्बैंड ने, आस्था ने मिलके कुछ दीपक पेंट किए थे और वही दीपक सारे सूख चुके हैं। अब इन डेकोरेटिव दीपक में मैं तेल डालूंगी और पूरे घर में दीपक जलाने हैं। मोमबत्ती भी जला सकते हैं पर दीपावली पे दीपक जलाना ही अच्छा लगता है, और मुझे तो बहुत पसंद है। घर में, पूरे घर में लाइट तो होती ही है, लाइट के साथ जब आप सारे दिए मैंने गोल्डन कलर में करे हैं, गोल्डन पेंट है इन पर, और पानी में भिगो कर रख दिए थे, जब ये सूख गए इन पे पेंट किया है। और उसके बाद अब मैं इनको दिवाली के लिए पूरी तरीके से, ये तैयार हो गए हैं, तेल डालना है बस अब। और कुछ दीपक इस तरीके से फूल के, मतलब जो सर्किल बनाया है ये फूलों का बनाया है, और ये सारे फूल मैंने अपने गार्डन में से ही तोड़े हैं, और क्योंकि फूल कम पड़ गए थे, जितनी डेकोरेशन के लिए फूल आए थे वो जगह जगह हमने लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी फूल हमारे कम पड़ गए थे। और पूजा पाठ की जगह जहाँ पे हमारी पूजा होती है, मंदिर है, वहाँ पे बिल्कुल मैंने अपने गार्डन में से फूल तोड़े हैं और दीपक चारों तरफ लगा दिए, तो ये जगह इतनी सुंदर लगने लगी। और 5 दीपक जलाए मैंने सबसे पहले देसी घी के। हमारे यहाँ पे जब ये लक्ष्मी जी का दीपक जलाते हैं तो उससे पहले 5 दीपक देसी घी के भगवान के नाम के जलते हैं, और फिर आप सरसों के तेल के दीपक जलाएं, तिल के तेल के दीपक जलाएं, जैसे भी आपके घर में हैं ले। और ये जो लक्ष्मी जी का दीपक है ये सारी रात जलाना है आपको, इस तरीके से कोशिश करनी है, इसकी बत्ती इस तरीके से बनानी है कि ये सारी रात जल सके। और फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद कुछ गेस्ट आ गए और गेस्ट को भी टाइम देना ही पड़ता है,
तो फटाफट से मैं थोड़ी सी टाइम के लिए गेस्ट के पास आ गई, क्योंकि हमारे घर पे जब कोई टाइम निकाल के आता है तो हमें भी अपना टाइम उन्हें देना चाहिए। दीपावली ये नहीं है कि अपने ही अपने काम में लगे रहो, कुछ टाइम गेस्ट के साथ भी बैठना पड़ता है। और ये देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन है दिवाली की, बच्चे तो लग गए पटाखे छोड़ने के लिए, और जो पूजा पाठ का काम रह गया था बीच में, मैं फिर से उसे कंप्लीट करने के लिए आ गई हूँ। की तैयारियां शुरू कर चुकी हूँ मैं, हस्बैंड भी लगे हुए हैं। पूजा पाठ की जो तैयारियां होती हैं, जैसे मंदिर में जो दीपक होते हैं उनमें बाती लगानी होती है, तो इन सारे कामों में मेरे साथ मेरे हस्बैंड हमेशा साथ देते हैं। उनको ये साथ पसंद है क्योंकि मुझसे जो रुई की बत्ती होती है मुझे बहुत मजा आता है वो बनाने। अच्छे तरीके से नहीं बन पाती है, तो मेरे हस्बैंड ये सारे काम मेरे साथ बहुत अच्छे से करते हैं और मैं बिल्कुल निश्चिंत होके ये काम इनपे सौंप देती हूँ। और जो ये बाती बनाते हैं वो पूरा जब तक तेल उसमें रहेगा जब तक वो पूरी जलती है। तो कुछ बातों में मैं ठीक हूँ, कुछ बातों में आ गई हूँ दिए लगाने के लिए। तो घर में जब दिए लगाने लगाने होते हैं तो ये काम ज़्यादातर आस्था और मैं ही करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड बाहर बैठ चुके हैं, कोई उनके साथ के आ चुके हैं, तो ये भी बात जब ज़रूरी अपने है। हाथों से आप अपने इस प्यारे से घर को सजाते हो और शाम को दीपक जलाते हो, दिवाली की खुशियां चार गुना हो जाती हैं। और बीच बीच में कोई गेस्ट आता है तो आपको उन गेस्ट को भी टाइम देना होता है, पूजा पाठ भी करनी होती है, तो ये जो त्यौहार होता है इतनी सारी खुशियां लेके आता है। कार्तिक लग गया है पटाखे छोड़ने के लिए, तो उसके पापा उसके साथ हैं, और देखिए कितना मन लगने लगा है जब पटाखे छोड़ने लगते हैं। और घर में बीच बीच में कोई गेस्ट भी आ रहे हैं, सामान इधर उधर फैल ही जाता है, तो आलस छोड़ दीजिए, फेस्टिवल का त्योहार टाइम चल रहा है, अपने बच्चों के साथ खूब एंजॉय करिए त्योहार को। और सबको हैप्पी दीपावली, खूब खुशियां आप सबके जीवन में आती रहें। दिवाली का त्योहार होता ही ऐसा है कि अपने आप ही मन में इतना सारी एनर्जी आ जाती है। दिन भर हम काम करके थक के रहते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है पूजा पाठ में इतना मन लगता है। और पटाखे, पटाखों को तो मैं जरूर छोड़ती हूँ, एक दो पटाखा तो छोड़ देती हूँ। वैसे मुझे प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, पर अनार है, ये अनार मेरा फेवरेट है, तो मैं अनार हमेशा हर दिवाली पे एक अनार जरूर छोड़ा करती हूँ। तो इसके साथ ही मेरी वीडियो को जरूर देखना, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, कमेंट में जरूर बताना आप लोगों ने कैसे अपनी दिवाली शेयर की है। तो इसके साथ ही बाय बाय, हैप्पी दीपावली। तो मैं आ गई एक अनार छोड़ने के लिए, हस्बैंड पीछे से कह रहे हैं कि अपने कपड़ों को संभाल के, क्योंकि मैंने साड़ी पहन रखी है, और मैं अभी जाके इसे चेंज भी कर दूँगी जल्दी से, क्योंकि मुझे पटाखे छोड़ने हैं और साड़ी में तो पटाखे बिल्कुल नहीं छोड़ते। और फिर फ्रेंड्स दिवाली मनाने के बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है, गोवर्धन दिवाली वाले दिन ही रखा जाता है। तो मेरे हस्बैंड जब गांव में गए थे तो वो गोवर्धन रख के आए थे, गोवर्धन मैं उसको कह रही हूँ, ये हमारी भाषा है गोवर्धन।
तो हमारे यहाँ पे गोवर्धन जो होता है वो दिवाली वाले दिन ही रखा जाता है, और दिवाली की रात को गोवर्धन की पूजा होगी, अगले दिन गोवर्धन की पूजा होगी और शाम को भी पूजा होगी, यानी तीन या चार टाइम पूजा होती है। और गोवर्धन से अगले दिन भाई दूज की सुबह को हमारे यहाँ फिर गोवर्धन को उठा देंगे, और जो अहोई जिस दिन हम अहोई का व्रत रखते हैं, जो अहोई माता को हम अपनी दोगड़ माता को पहनाते हैं, उसको हम आज के दिन ही दिवाली वाले दिन ही उठाते हैं और अहोई को अपने गले में पहनते हैं, किसी अच्छे दिन ही मुंह मीठा करवा के अहोई माता जो हमने गले में पहनी हुई है माला, उसको निकाल कर रखते हैं, और जो हमारी दोगड़ में जल होता है वो हम रखते हैं अपने गोवर्धन महाराज के पास। तो इस तरीके से हमने गोवर्धन महाराज का पूरा त्योहार मनाया, बच्चों ने पटाखे छोड़े। लास्ट में यही कहूंगी, एंजॉय करिए खूब अच्छे से, अपने त्योहार मनाइए। बाय बाय।